हेलो फैमिली, राधे राधे। कल का एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल फतेहपुर में ही एक इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है कार के थ्रू, और ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें कि 7 लोग थे फैमिली के, दर्शन करने जा रहे थे कहीं, तो शायद माता के दरबार जा रहे थे, वैष्णो देवी या और कहीं, मुझे इसके ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन वो 7 लोग जो थे, उनमें से एक बच्ची भी थी 4 साल की, 2 लेडीज़ थी, बाकी ड्राइवर वगैरह थे और फैमिली लोग थे, 7 लोग, टोटल 7 लोग। और वो जब कार की और ट्रक की भिड़ंत हुई, तो कार जो थी ऑटोमेटिक लॉक थी, और पता नहीं कैसे अंदर के लोग जो थे वो बाहर को नहीं निकल पाए, और वो लोग हाथों से इशारे कर करके लोगों से हेल्प मांग रहे थे। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चला है ना, कि वीडियो बनाओ और अपलोड करो, तो लोग वीडियो तो बना रहे थे, बट उनकी किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने भी हेल्प नहीं की। जो पीछे बैक सीट पे लेडीज़ थी और बच्ची थी, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो हाथों से इशारे कर रही थी, उनको अपने पास बुला रही थी, और वो आग में बुरी तरह से झुलस रही थी। लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी के पास तो जग गया और मैं खड़ा भी नहीं हो पाया, उसमें ब्लास्ट शुरू हो गए, हर 2 मिनट में, हर 1 सेकंड में बता रहे थे, वो ब्लास्ट हो रहे थे गाड़ी में। तो बोले गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक थी, इसलिए मैं उनको बचा नहीं पाया, और उसको इस बात का बड़ा दुख था। और जो वीडियो लोग बना रहे थे, उनसे जो बचाने वाली रेस्क्यू टीम जब आई, तो उनसे किसी ने पूछा क्या गाड़ी के अंदर कोई है, तो जो लोग वीडियो बना रहे थे उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। बट उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको तो पता था गाड़ी के अंदर 7 लोग हैं। तो वो लोग पूरी तरह से जलकर राख हो गए, और उनके स्केलेटन सिर्फ मिले हैं, रिसीव हुए हैं। और इतना बुरा मुझे फील हो रहा था, गाड़ी इतनी बुरी तरह से जल रही थी कि उसमें ज़िंदा बचने के किसी के भी चांसेस नहीं थे। लेकिन क्या उनको बचाया नहीं जा सकता था? जो लोग भी वीडियो बना रहे थे, तो क्या वीडियो बाद में बन जाता, या उनकी ज़िंदगी रहती तो फिर बन जाता? उनकी जान बचानी चाहिए थी कैसे भी करके। शीशे जो ऑटोमेटिक लॉक थे, कहते हैं अगर आपकी कोशिश करते, किसी के घर से आस पास हथौड़ी लेके ईंटें हिलाते, अगर आप तोड़ने पे आ जाते शीशे को, तो कुछ तो बच सकते थे, कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन एक पूरी फैमिली नष्ट हो गई, और लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो अपलोड करते रहे, वीडियो बनाते रहे। सपोज करिए, उस फैमिली की जगह आपकी फैमिली भी हो सकती थी, या कभी आप भी हो सकते हैं ऐसा ही, इन फ्यूचर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए किसी भी तरह का, तो आप भी तो लोगों से हेल्प ही चाहोगे ना, ना कि ये सोचोगे कि लोग आपका वीडियो बनाएं। गलत बात है, पहले इंसानियत दिखलाइए, उसके बाद वीडियो बनाइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।